शहर भर में नवदुर्गा नवरात्रि त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सूबेदार अखाड़ा से तकरीबन दर्जनों देवी भक्तों ने हाथों में सुरक्षा कवच लेकर परिसर के नौ दुर्गा देवी मंदिरों में दौड़ लगाते हुए हाजिरी दी। इस मौके पर जगह जगह परिसर के नागरिकों द्वारा दौड़ दुर्गा देवी भक्तों का जल्लोष में स्वागत किया गया। आइए देखते हैं। पूरे भारत वर्ष में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पिछले कई महीनों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के आदेश से सभी मंदिर पूरी तरह से बंद रखे गए थे, लेकिन कोरोना से शिथिलता मिलते ही प्रशासन के आदेश से सभी मंदिर फिर से एक बार खुल चुके हैं। मंदिर खुलने के आदेश आते ही राज्य के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मंदिर खुलते ही नवरात्रि का त्यौहार श्रद्धालु मना रहे हैं। शहर में कहीं गरबा रास का आयोजन हो रहा है तो कहीं धार्मिक शिक्षाप्रद खेल जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के सूबेदार अखाड़ा परिसर से तकरीबन दर्जनों देवी भक्तों ने छत्रपति संभाजी महाराज क्रीड़ा संकुल न्यू सूबेदार लेआउट परिसर से हाथों में सुरक्षा कवच लेकर दौड़ लगाई। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे परिसर के नागरिक सभी का आरती उतार कर उन्हें तिलक वंदन करते हुए शुभकामनाएं दे रहे थे। दौड़ आयोजन में शंखनाद किए जाने से पूरा परिसर गूंज उठा था, तो वहीं देवियों छत्रपति श्री शिवाजी के जयकारों से पूरा क्षेत्र सराबोर हो उठा था। इस मौके पर आयोजकों द्वारा बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया था। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौ देवी के मंदिरों में दुर्गा देवी दौड़ भक्तों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई। बाद में बसेश्वर पुतला चौक स्थित काली माता मंदिर में आरती और पूजा अर्चना कर दौड़ कार्यक्रमों का समापन किया गया। इस मौके पर सूबेदार अखाड़ा के संचालक तुषार सातव और सिद्धू केमजेवाल इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में BCN की टीम पहुंचे जूना सूबेदार के पास, जहां पे आज दुर्गा दौड़ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये तमाम महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, जिन्होंने नवरात्रि के इस त्यौहार पर शहर को गश्त करते हुए 11 मंदिरों में विजिट करते हुए आज दौड़ यात्रा का प्रारंभ किया। इस समय हमारे साथ में इनके आयोजक सातव और सिद्धू हमारे साथ में उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये पता कि जिस प्रकार से आज ये आयोजन किया गया है, ये आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे का उद्देश्य है बच्चों का भविष्य, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, ताकत और विकास के लिए हमने नौ मंदिरों का आज माता को संकल्प किया। शक्ति, भक्ति और युक्ति और एक आत्मनिर्भर, सुरक्षा आदि तमाम बातों को लेकर इस दौड़ यात्रा का प्रारंभ किया गया है, ऐसा आयोजकों ने बताया है। सर, आप बताइए, ये जो आयोजन है क्या प्रतिवर्ष होता है? मैं सिद्धू गुमजवार, बासवाड़ी कामगार सेना नागपुर शहर अध्यक्ष, छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज क्रीड़ा संकुल याच्या माध्यमातून आज इथे हे जे सगळी टीम आहे चमू आखाड्यातली, यांनी नवकन्याचा मंदिरांचा सगळा संकल्प केला होता आणि यांनी आज एक दौड़ केलेली आहे। यांनी चौडेश्वरी माता मंदिर, शीतला माता मंदिर असे जे आमच्या ह्या एरियातले नऊ मंदिर आहे, या प्रत्येक मंदिरामध्ये जाऊन त्यांचं दर्शन करून गावात काली माता मंदिर गजानन शाळेच्या समोर यांनी हे इथे समर्पण केलेलं आहे। यांना सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ये प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए दौड़ यात्रा का प्रारंभ और कार्यक्रम किया गया है। सूबेदार चौक से संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।